स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम धरोहर में। इस बार मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खास एपिसोड धरोहर का, सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी। जी हाँ, बिल्कुल रानी की तरह ही हरियाली से ये सजी हुई है। चारों तरफ घने जंगल हैं तो खूबसूरत वादियाँ हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी खासियत भी है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी है सतपुड़ा, और सतपुड़ा की रानी है पचमढ़ी। लेकिन जब पचमढ़ी आप पहुंचते हैं तो प्राकृतिक धरोहर के साथ साथ यहां पर ऐतिहासिक चीज़ें भी हैं जो आपको सहज ही अपनी ओर आकर्षित करती हैं। उन्हीं में से एक है जटाशंकर। तो चलिए चलते हैं जटाशंकर और आपको भी दिखाते हैं कि क्या खास चीज़ें हैं यहाँ पर। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए ऊंघते अनमने जंगल। जटाशंकर जैसा नाम वैसे ही महादेव। आपने भगवान शंकर का चित्र या मूर्ति देखी होगी। शिव की जटाएं हैं, जटाओं में चंद्र हैं, मस्तक पर तीसरी आंख है, गले में सर्प और रुद्राक्ष की माला है, एक हाथ में डमरू तो दूसरे में त्रिशूल है, संपूर्ण देह पर भस्म लगाए रहते हैं शिव, शरीर को व्याघ्र चर्म से लपेटे हैं, वृषभ की सवारी करते हैं और कैलाश पर्वत पर ध्यान लगाते हैं। शिव अंतरिक्ष के देवता हैं। उनका नाम व्योमकेश है, आकाश उनकी जटा स्वरूप है। जटाएं वायुमंडल की प्रतीक हैं। वायु आकाश में व्याप्त रहती है, गंगा शिव की जटा में प्रवाहित होती है। शिव के इस रूप की झलक देखने को मिलती है पचमढ़ी के जटा शंकर में। कहा जाता है यहाँ की पहाड़ियाँ शिव की जटाएं हैं। पहाड़ों का स्वरूप भी यहाँ थोड़ा भिन्न है। पत्थरों की तरह ठोस न होकर जटाशंकर के पहाड़ भुरभुरे और भूरे रंग के बेहद खूबसूरत हैं। वादियों की खूबसूरती के साथ साथ यहाँ पर पर्वतों की विराटता भी आपको देखने को मिलेगी। सतपुड़ा रेंज की ये जो पहाड़ी है, इसे सैंडस्टोन भी कहा जाता है, क्योंकि बालू की शक्ल में जो पर्वत है इनकी प्रकृति होती है। थोड़े से भुरभुरे ये होते हैं और ये पूरी जो पर्वत श्रेणी आप देख रहे हैं, ये जटाशंकर की पर्वत श्रेणियाँ हैं जो कि सतपुड़ा रेंज की पर्वतों में शामिल है। पांच मढ़ियां यानी पांच पहाड़ियों की वजह से नाम पड़ा पचमढ़ी। पचमढ़ी अपने खूबसूरत वादियों, सतपुड़ा के घने जंगल और झरनों से पूरी तरह समृद्ध है। कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी भी है पचमढ़ी। यहाँ महादेव से जुड़ी कई कहानियां कही और सुनी जाती हैं, जिसके साक्ष्य भी यहाँ मौजूद हैं। महादेव कभी विराजते हैं पहाड़ों की चोटी पर तो कहीं पर्वतों की गुफाओं में। पहाड़, जंगल और ये पहाड़ी हवाएं वैसे ही बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन जब जटाशंकर की बात करते हैं तो यहाँ पर शिव भक्ति की आस्था भी जुड़ जाती है, तो ये रास्ते कुछ और भी खूबसूरत हो जाते हैं। जटाशंकर मंदिर पचमढ़ी से करीब 1.5 किलोमीटर दूर गुफा है। मंदिर में शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं।
यहाँ वजनी चट्टान दो पहाड़ों के बीच लटकती नजर आती है, जो कि बेहद दर्शनीय है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ दूर पैदल चलना होता है और करीब 250 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ता है। ये रास्ता यकीन माने बेहद खूबसूरत है। दोनों ही तरफ ऊंचे ऊंचे खूबसूरत पहाड़ हैं, तो घने जंगल से आच्छादित हैं। रास्ते में पर्वतों में प्राकृतिक रूप से बनी कई आकृतियां आपका मन मोह लेंगी। पहाड़ों के पीछे से छनती सूरज की रोशनी से ये तस्वीरें साफ दिखाई देती हैं। भारत का नक्शा, जी हाँ, दो पहाड़ों के बीच बना ये नजारा देखने लायक है। यहाँ रुककर देखना रोमांच से भर देता है। प्रकृति की इन खूबसूरतियों के बीच में कुछ आश्चर्यजनक चीजें भी आपको मिलती हैं। पीछे दो पहाड़ियां हैं, पचमढ़ी में है हम, लेकिन मैं राहुल से कहूंगी कि वो दिखाएं। वो जो सूरज से छन के जो रोशनी आ रही है, दो पहाड़ों के बीच में जो तस्वीर बन रही है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये भारत के नक्शे की जैसी है। कहीं पर पहाड़ों का शेर, तो कहीं गणेश, कहीं हाथी की आकृति पर्यटकों का मन मोहती रहती है। जटाशंकर की गुफाओं तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही आकर्षक है। कहीं गुफा, कहीं झरना आपका मन मोहता है। पहाड़ों की भी अपनी एक खूबसूरती होती है, और ये खूबसूरती अगर इस वक्त आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं तो आप महसूस कर सकेंगे, क्योंकि ये जो विराट पहाड़ हैं, कहीं कहीं पर अपने ही हिसाब से इतने सुंदर तरीके से ये बने हुए हैं, ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति के कण कण में भगवान है और हमको देखने को मिलते हैं। ये जो दो पेड़ हैं मेरे सामने, इनको आप देखिए तो ऐसा लगेगा कि शायद इन दो पेड़ों ने ही इस विशाल पहाड़ को खुद पे रोक रखा है। यकीन मानिए, आधुनिक जीवन शैली के बीच रहकर आज इन वादियों के बीच पहुँचना आपको दुनिया के तनाव से मुक्त करता है और चमत्कारों से रोमांच भी देता है। यहाँ रास्तों में वन औषधियाँ और जंगली फल भी आकर्षण का केंद्र होते हैं। 50 किलो तक की प्याज और लहसुन के साथ कई प्राकृतिक दवाएं भी आसानी से मिल जाती है। तो सतपुड़ा रेंज की जो पहाड़ियां हैं, जो घने जंगल है, वहां पर कुछ वन औषधियाँ भी हैं, जिसकी ये छोटी छोटी दुकानें जटाशंकर जब आप पहुंचते हैं तो ये दिखेंगे कि औषधि जो तेल है उसको यहाँ पर रखा गया है, और कुछ बीमारियों से निपटने के लिए चूर्ण भी है ना शायद ये, और ये प्याज है। ये मैं प्याज आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी कि ये भैया बता रहे हैं कि ये जो प्याज है ये 50 किलो तक का हो जाता है, और इससे आर्थराइटिस या आर्थराइटिस, बैक पेन वगैरह के लिए, या फिर पीठ का दर्द या गठियावाद जैसी जो चीज़ें होती हैं वो ठीक हो जाती हैं, इसका तेल तैयार किया जाता है। तो ये भी हमारी धरोहर है जंगलों से, जो हमें औषधि के रूप में मिलती है। जटाशंकर महादेव में कहा जाता है, जहाँ जहाँ शिव की जटाएं गिरी वहाँ वहाँ शिवलिंग उद्भूत हुए। पचमढ़ी में प्राकृतिक छटाओं के साथ साथ ऐतिहासिक जो चीजें हैं वो भी यहाँ पर हैं, और ये जो पहाड़ी है, कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपनी जटाओं का त्याग यहाँ पर किया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया जटाशंकर। ये ऊंची पहाड़ियां देखिए और अंदाजा लगाइए कि कभी भोले बाबा पहाड़ियों की चोटी पर विराजते हैं तो कभी पहाड़ों के नीचे तल यानी कि गुफा में भी विराजते हैं। ठीक जटाशंकर की ये गुफा ऐसी ही है। आपको पहाड़ियों से नीचे उतरना पड़ेगा और नीचे उतरने के बाद भी नीचे अभी और गुफा है जहां पर अद्भुत रूप में शिव जी विराजे हैं। चलिए दिखाते हैं हम आपको। तो
ये जटाशंकर की महिमा है। यहाँ पर छोटे छोटे शिवलिंग जो हैं उन्हें बताया जा रहा है कि ये शिव की जटाएं हैं और ये पूरी गुफा है। गुफा के अंदर शेषनाग की आकृति आप देखिए, साफ तौर पर देख सकते हैं आप, ये शेषनाग की आकृति है, विशाल ये शेषनाग है। और यहाँ इसके ठीक नीचे अंदर गुफा में विराजते हैं जटाशंकर महादेव। और ये महादेव की लीला है, वो चाहे तो पहाड़ियों के ऊपर भी विराजते हैं, वो चाहे तो पाताल में भी विराजते हैं। शिव शंकर महावरदानी, तुझ नहीं कोई तेरा सानी। तू शिव शंकर महावरदानी, तुझ नहीं कोई तेरा सानी। आसन से तू डोल, अब डोल मेरे बाबा। तो पहाड़ियाँ बहुत ही गहरी पहाड़ी है, और जब पहाड़ी पर हम आकृति देखते हैं तो कुछ तो प्राकृतिक तौर पर बनती चली जाती हैं, लेकिन अगर इसको आस्था से जोड़कर देखा जाए, क्योंकि ये माना जाता है कि शिव ने यहाँ पर अपनी जटाएं का त्याग किया था, इसलिए प्राकृतिक रूप से ये जो तस्वीर बनती है, आप देखिए कि 15 फीट का ये जो मगरमच्छ है उसकी ये आकृति अपने आप बनी हुई है, और 108 से ज़्यादा शिवलिंग बताए जाते हैं कि यहाँ पर स्वयं हुए। इस गुफा में आपको ऐसे सैकड़ों प्राकृतिक शिवलिंग दिखाई देंगे जिन्हें देखकर आप श्रद्धा से नतमस्तक हो जाएंगे। जटाशंकर में जो जटाओं के लिए कहा जाता है वो सब शिवलिंग रूप में ही भगवान जटाशंकर की जटाएं कही जाती होंगी, तो वो शिवलिंग रूप में ही उन्हें जटाएं मान के पूजा जाता है जी। और शेषनाग जो है वो प्राकृतिक निकला हुआ है, जैसे त्रिशूलों की यहाँ बहुत महत्ता है, यहाँ भी पचमढ़ी मैं जटाशंकर मंदिर में एक बहुत सुंदर त्रिशूल लगा है। शिव आदि हैं, शिव अनंत हैं, शिव धरती के कण कण में हैं, इसलिए जब आप पचमढ़ी पहुंचते हैं तो पचमढ़ी भी शिवमय ही हमको दिखाई देती है। यहाँ हम पहुंच चुके हैं, बड़ा महादेव कहते हैं, यहाँ भी शिव गुफा में विराजते हैं, तो चलिए दर्शन करते हैं महादेव के। बड़ा महादेव के नाम से विराजते हैं यहाँ महादेव। यहाँ भी पहाड़ी गुफा पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र है। जटाशंकर में पाताल में विराजते हैं शिव, तो बड़ा महादेव में गुफा में दर्शन देते हैं। बड़ा महादेव को लेकर अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं। कुछ कहते हैं शिव भस्मासुर से बचते हुए यहाँ आकर गुफा में छिपे थे, और भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लेकर यहाँ पर भस्मासुर को भस्म किया था, इसीलिए यहाँ पर भस्मा कुंड भी है। लोगों की मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से तमाम रोगों से मुक्ति मिलती है, जिसका जिक्र यहाँ लिखे लेख में मिलता है। भस्मासुर का वध करने के लिए भगवान विष्णु को मोहिनी का अवतार लेना पड़ा, तब कहीं जाकर भस्मासुर का वध किया गया। भस्मासुर यहाँ पर ही भस्म हुए थे। ये जो कुंड है इसको भस्मासुर कुंड कहा जाता है, जहाँ पर पर्वतों से जो झरने के रूप में पानी है वो लगातार इस कुंड में रहता है, और साल भर इस कुंड में पानी भरा रहता है। पर एक और मान्यता के आधार पर यहाँ से माता पार्वती और शिव का अलग ही नाता है। भस्मासुर का दक्षिण खंड में कोई रोल नहीं है, उत्तराखंड में उन्होंने जो उत्तर के कैलाश में पहाड़ में भस्मासुर दो बार भस्म हुआ है, तो दोनों बार का ऐसा हमने देखा नहीं है। ऐसा बताते हैं जो संत लोग जाते हैं दर्शन को वहाँ घूमने जाते हैं, वो बताते हैं कि जहाँ पहले भस्म हुए थे वहाँ पे जो है इनका पानी का कुंड है, वो पानी में हाथ डालो तो सूखे निकलते हाथ। भस्मासुर स्वागपुर में रहा करते थे, स्वागपुर जो वर्तमान में स्वागपुर नाम है, उस समय उसका नाम जो है सोनितपुर था। सोनितपुर भस्मासुर की राजधानी थी, तो भस्मासुर जो है दर्शन के लिए जाया करते थे महादेव जी के कैलाश पे, तो रोज ही जाया करते थे दर्शन को अपनी शक्ति से।
और फिर महादेव जी ने बोला कि अब तुमने आना, हम आएंगे तुम्हारे यहाँ पे, तुम्हारे क्षेत्र में आके लीला रचेंगे। ऐसे वरदान माता जी ने कुछ महाराष्ट्र में विदर्भ में दिया था। फिर वहाँ से दोनों ही निकले, माता जी को विदर्भ में उधर उधर का वरदान पूरा करना था, महादेव जी को इधर का वरदान पूरा करना था। महादेव जी घूमते घूमते फिर बोले यार बाणासुर हमारा चेला है, उसकी नगरी में जाएंगे। तो उनकी नगरी में आए, यहाँ पे बाणासुर ने अच्छा स्वागत किया। फिर बाणासुर ने बताया कि बोले महादेव जी ने बताया बाणासुर को कि हमको कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ एकांत में हम भजन करें। तो महादेव जी ने ये पहाड़ी बताया उनको, तो इस पहाड़ी में रहने लगे महादेव जी। यहाँ पर शिव अपने स्वयंभू रूप में विराजते हैं और विशाल शिवलिंग यहाँ मौजूद है। यह है बड़ा महादेव की गुफा। छोटी छोटी बूंदों में पहाड़ों से पानी रिस रहा है और अंदर विराजित हैं बड़ा महादेव। ये गुफा इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव भस्मासुर से बचते हुए यहाँ पर छुपे हुए थे। और इसके पीछे कहानी ये भी है कि अगर कालसर्प दोष या पितृदोष आपको लगा हो तो इस गुफा में आने के बाद जब महादेव के दर्शन आप करते हैं तो वो दोष अपने आप शांत हो जाता है। शिव शंकर महावरदानी, तू नहीं कोई तेरा सानी। तू शिव शंकर महावरदानी, तू नहीं कोई तेरा सानी। आसन से तू डोल, अब डोल मेरे बाबा। ओ डमरू वाले, ओ डमरू वाले। तो ये है बड़ा महादेव। जी हाँ, यहाँ प्राकृतिक गुफा के अंदर प्राकृतिक रूप में ही शिवलिंग विराजित है जिन्हें बड़ा महादेव के रूप में जाना जाता है। ये जो शिला है पूरी एक शिला नीचे से ऊपर तक है, आप देखिए बहुत सुंदर शिवलिंग इसमें स्वयंभू तरीके से निर्मित है। और ये पूरी जो गुफा है, बताया जाता है कि लगातार बारिश की वजह से एक बार ये गुफा धस गई थी, लेकिन अब यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से एंगल लगा दिए गए हैं लोहे के, ताकि ऐसी किसी अप्रिय स्थिति के निर्मित यहाँ पर ना हो और किसी तरीके से लोगों को नुकसान भी ना हो और ईश्वर के प्रति उनकी आस्था बनी रहे। महादेव के भक्त यहाँ पूरे साल पहुँचते हैं। सावन और शिवरात्रि में यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। यहाँ जी मेले लगते हैं बड़े बड़े, शिवरात्रि में कम से कम 5 लाख व्यक्ति आता है। उनकी बहुत श्रद्धा है और वो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। उनके पिताजी आ रहे थे, दादाजी आते हैं, वो सब सेवा के लिए आते हैं। पचमढ़ी आने से एक ओर जहां प्रकृति का सानिध्य मिलता है तो दूसरी ओर ईश्वर की भक्ति भी। इस गुफा में साल भर प्राकृतिक स्रोतों से पानी झरता है। यहां एक प्राकृतिक कुंड भी बना है। मंदिर तक सीधी अप्रोच रोड है। मराठाओं के शासनकाल से लोग इस मंदिर में आया करते हैं। महादेव के अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पहुँचना आसान है। इसके लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन है पिपरिया। इसके अलावा निकटतम हवाई अड्डा भोपाल है। पचमढ़ी भोपाल इंदौर पिपरिया नागपुर से सड़क मार्ग से सीधे जुड़ा हुआ है। भोपाल से टैक्सी से भी यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। डमरू वाले, ओ डमरू वाले।